Now I would like to call Laksh Palani, who has scored AIR rank of 3,192 in JEE Advanced and has BITSAT score of 382. Also, Laksh has cleared aptitude test and interview round of KVPY Essex in the year 2019. He is son of Dr. Gopal Balani and Mrs. Asha Balani. His hobbies include playing table tennis and speed cubing. So please give a huge round of applause for Laksh Balani. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank the Faculty of Radiance, my parents, my sister, and the non-teaching staff of Radiance for their constant support during my preparation. I would also like to congratulate all the selected students and their families for their support even in these adverse conditions. 2018 में जब मैं रेडियंस आया था, यहाँ का फेलिसिटेशन फंक्शन अटेंड किया था, उसमें सीनियर से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ था और फिर आज यहाँ बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एस्पिरेंट्स का सबसे पहला डाउट ये होता है कि भैया कितने घंटे पढ़ने से अपन जेई निकाल सकते हैं। मेरा जवाब इसके लिए बहुत सिंपल है कि अपने दिन के टास्क निकाल लो, उसको लिख लो और फिर आपको उसको पूरा करने में जितना टाइम लगे, 7 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, वो कर लो अपने। और जब आप उसको स्ट्राइक आउट करते हो, उससे एक अच्छी सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग भी आती है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप लगातार कुछ महीने पढ़ रहे हो फिर लगे कि चलो यार शिमला निकल जाते हैं, थोड़ा वादियाँ घूम के आएंगे, फिर मूड फ्रेश हो जाएगा। ऐसा मत करना, पूरा कंसिस्टेंटली पूरे 2 साल पढ़ो, उसके बाद थोड़ा चिल हो जाता है। मैं ऐसे कोई खास ट्रिप पे गया नहीं था, बस कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए भोपाल गया था। जेई का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा यूज लगता है कि मतलब 90-100 चैप्टर्स है, इतना सारा कैसे करेंगे, मतलब याद कैसे रहेगा इतना सारा। ट्रस्ट में आप क्लासेस शुरू करो, क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर लो और पैकेज अच्छे से लगा लो, 70% काम तो इसी से हो जाता है। बहुत सिंपल सा फ्लो है, पहले क्लास नोट्स, फिर पैकेज और फिर प्रीवियस ईयर, और फिर इन्हीं को रिपीट कर लो और जो भी डाउट्स हैं वो तुरंत सर लोग से क्लियर कर लो। इनिशियल स्टेजेस पे कॉन्सेप्ट्स पे ही ज़्यादा ध्यान दो, क्वेश्चंस लगाने के लिए आगे काफ़ी टाइम मिल जाता है। कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है कि साथ साथ में दो बुक्स फॉलो कर रहे हैं कि पहले इसका ये लगा रहे फिर ये लगा रहे। यहीं पर बात आ जाती है स्मार्ट वर्क की, अपनी पढ़ाई को जितना ज़्यादा रेलेवेंट रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब सिलेबस से थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम, बस इतना ही। अब जैसे आपका 11th अभी ख़त्म होगा, उसके बाद आपको लगभग 1.5 महीने का गैप मिल जाता है, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो। जो भी आपके वीक टॉपिक्स रह गए हैं या कहीं कुछ कमी छूटे आती है, जो छूटे आते हैं वो पूरा कवर कर लो, प्रीवियस ईयर वगैरह लगा लो और कुछ फुल सिलेबस वाले टेस्ट दे दो जो 11th का जितना भी सिलेबस हुआ है। इसके बाद जैसे मेरी मोस्टली पढ़ाई पूरी लाइब्रेरी में ही हुई थी, वहाँ पे मतलब मेरा काफ़ी अच्छा रूटीन बना हुआ था। मैं सुबह आ जाता था और फिर शाम तक बैठे रहते थे, डिस्कस कर लेते थे, मतलब दोस्त भी बहुत अच्छे मिल गए थे वहाँ पे। हम लोग का काफ़ी लंबा डिस्कशन हो जाता था, टाइम का भी पता नहीं चलता था, वो काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुआ मेरे लिए। और सर लोग भी पूरे टाइम नीचे अवेलेबल रहते थे, तो जैसे ही डाउट आते थे पूरे इकट्ठे करते थे, शाम को चले जाते थे, एक साथ पूछ लेते थे सारे। अब जैसे 12th का टाइम होता है वो काफ़ी जल्दी निकल जाता है, पूरा 12th का जितना शेड्यूल है, क्योंकि इसमें आपको 11th भी रिवाइज़ करनी है, फुल सिलेबस वाले जो टेस्ट हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको अपना टाइम बहुत ईजी अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। कई लोग इसमें ये करते हैं कि अपनी नींद को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं सब कुछ कवर करने के चक्कर में, ये बहुत ही गंदा डिसीजन है, ऐसा तो बिल्कुल मत करना। बस 6-7 घंटे सो और बचा हुआ जितना भी टाइम है उसमें मैक्सिमम आउटपुट निकाल लो। अब जैसे बुक्स की बात करें तो जेई मेंस जनवरी के पहले तो मैंने बहुत कम बुक्स रेफर करी थी, जितना सर लोग बोलते थे उतने पे ही ज़्यादा ध्यान देता था। जैसे फिजिक्स में DC पांडे और RPM और केमिस्ट्री में हिमांशु पांडे कर लेता था, और बाकी पैकेज की थ्योरी बहुत अच्छी है केमिस्ट्री की, वो थोड़ी अच्छे लेवल की है तो वो कर लेनी चाहिए। और मैथ्स के लिए कैलकुलस के लिए बस विकास राय कर लेनी चाहिए, वो काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स उससे क्लियर हो जाते हैं। अब जैसे मेरा जेई जनवरी अटेम्प्ट हो गया था, उसके बाद मेरा स्कोर एक अच्छा खासा आ गया था उसमें, मैं सेटिस्फाइड था उससे। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन को एडवांस की तरफ स्विच किया। अब उसमें थ्योरी तो पूरी हो चुकी थी, मेरा मेन एम था कि अब क्वेश्चंस लगाने हैं ज़्यादा और साथ साथ में टेस्ट देने हैं ताकि सब रिवाइज होता रहे। अब एग्ज़ाम टेम्परामेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपकी प्रिपरेशन में। आप जैसे लगातार जैसे 5 सवाल आपको नहीं बने तो आप पैनिक वहाँ पे मत कर जाना, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज मत करो, क्या पता अगले 10 सवाल बहुत ईजी हो सब बना ले, तो इसका ज़रूर ध्यान देना। जैसे टेस्ट के बाद अपन जब भी एनालिसिस करते हैं तो हमेशा उसमें देखो कि क्या गलतियाँ हुई आपसे, उनको एनालाइज करो, और जो क्वेश्चन आपसे बन भी गए उनको भी फिर से देखो कि कोई और अच्छी मेथड आप उसमें ढूंढ पाओ, बेस्ट पॉसिबल मेथड्स।
उनको देखो, उसको डिस्कस करो दोस्तों के साथ वगैरह, वो सब कर लो। और बाकी जैसे जनवरी के बाद मैंने अपनी जो भी गलतियाँ हुई थी मेरी जनवरी में, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करी थी। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, एक रुकावट आ गई थी। अब मेरा प्लान ये था कि मेरे को बस पढ़ाई से किसी तरह से जुड़े रहना है, मतलब अब डेविएट नहीं हो सकते स्टेज पे आके। तो रेडियंस ने ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशंस वगैरह भी कराए थे और क्रैश कोर्स भी कराया था, तो उससे एक फ्लो बना हुआ था। मेरा मेन फोकस तो एडवांस के प्रीवियस ईयर्स पे ही था, तो मैंने उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान दिया था। अब जैसे तुम लोग की अभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी तो डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन कर रहे हो, क्लास चल रही है, इधर यूट्यूब खोल लिया, कहीं नेट स्क्रॉल करने बैठ गए। तो अब मेरा ये मानना है कि अगर आप मोटिवेटेड हो अपने गोल के लिए तो डिस्ट्रैक्शंस को आप इजीली ओवरकम कर लोगे। इसके लिए आप जैसे अपने किसी ड्रीम कॉलेज का कैंपस टूर देख लो या वहाँ के किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू सुन लो, उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिल जाती है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा, कभी भी अपने टेस्ट के रिजल्ट से खुद को जज मत करो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, कई बार रियलिटी कुछ और ही होती है। जैसे केमिस्ट्री मेरी शुरू से ही काफ़ी स्ट्रांग थी, मतलब पूरे 11th 12th में काफ़ी स्ट्रांग थी, लेकिन जनवरी में उसमें मेरा स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम आया था। लेकिन डीप डाउन मेरे को पता था कि मैं कर लूँगा, मेरे को कॉन्फिडेंस भी था, और शायद इसीलिए मेरे एडवांस में आधे नंबर केमिस्ट्री से ही आए थे। कई लोग तुमने ऐसा सुना होगा बोलते हैं कि जेई को एज अ तपस्या लेते हैं, कि सारी चीज़ें सैक्रिफाइस कर देते हैं, बाकी एक्टिविटीज सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो सैक्रिफाइस वर्ड एक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग देता है। मैं ऐसा बोलूँगा कि अपने जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स हैं उन सबको एक जगह प्रिजर्व करके रखो, एक अच्छे कॉलेज जाओ, वहाँ पे इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने के मौके मिलेंगे। अब जैसे मैंने अभी ज्वाइन किया IIIT हैदराबाद ज्वाइन किया, काफ़ी लोग को इसके बारे में अवेयरनेस कम है इस कॉलेज के बारे में। हमें तो मिश्रा सर ने बहुत अच्छे से इस बारे में बताया था। कई लोग को इसका पता नहीं होता कि इसके JEE के अलावा भी UGE मोड से 5 ईयर वाले प्रोग्राम में एडमिशन्स मिलते हैं, तो ये सब अवेयरनेस की कमी है थोड़ी। लेकिन यहाँ पे सर लोगों ने हमें 2 साल से ही पहले से ही बता रखा था, तो ये सारे मोड्स वगैरह का भी हमें अच्छे से पता रहता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगले साल तो यहाँ पे 2-3 बच्चे आ जाने चाहिए 3 digit रैंक में, और रेडियंस में तो अब नीट भी शुरू हो गया है, तो फ्यूचर डॉक्टर्स भी दिखेंगे अगले साल से फेलिस्टेशन में। ऑल द बेस्ट टू ऑल द JEE एंड नीट एस्पिरेंट्स।